अरे बेगम, कौन सा क्रीम लगाती हो आजकल? कितने चिकने हाथ है तुम्हारे, कसम से एकदम कर्रा पीस लगती हो आजकल। आप भी तो एकदम लल्लन टाप लगते हैं। और ऊपर से आपकी ये तोन, हाय हाय। पापा। अरे आसिफ, मेरे बच्चे क्या हो गए तुझे? मेरे बच्चे, अरे मेरे बेगम, अरे बेगम क्या हो गए? देखिए मेरे कलेजों को क्या हुआ। बेगम मुझे तो लग रहा है हमारे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो गई। बेगम रुको, मैं भी पुलिस को फोन करके आता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो सर, आप जल्दी से आ जाइए। ये इंस्पेक्टर साहब अभी तक आए क्यों नहीं? अरे भाई साहब, आप इतना परेशान काल को हो रहे हैं? इत्मीनान रखिए, सब ठीक हो जाएगा भाई, परेशान नहीं है। जब पान खाइए, परेशान मत होइए, ठीक है? एकदम वैसे इतने परेशान है, ऊपर से तुम कौन हो तुम? अरे यार, हम हवलदार गप्पू सिंह है भाई। हाँ, अरे सलाम साहब, सलाम। अरे इंस्पेक्टर साहब, चल के देखिए जरा मेरे जिगर के पकौड़े को क्या हो गया है। अरे जिगर कलेजा तो सब ठीक है, पहले आप ये बताइए चाय और चखने का इंतजाम है कि नहीं? अरे यार, बिल्कुल गांडू हो क्या तुम? हैं? हाँ है गांडू, गांडू ही तो है हमारे साहब। मतलब कि इंस्पेक्टर गांडू रंगा है ना साहब? हाँ। अरे वो सब छोड़िए भाई, और आप चल के इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। अरे भाई आप टेंशन नहीं ना लीजिए, काहे कि आप अभी हमारे सर यानी कि इंस्पेक्टर गांडू रंगा इनको जानते नहीं है, ये कोई भी केस चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं साहब। देख बिल्ला, ये नोट पहले मैंने देखी है। नहीं मैंने देखी है। तूने नहीं, मैंने देखी। इसके मैंने चार कदम में था। मैं तीन कदम आ गया। अबे मैं तीन कदम था। अरे मैं था यार। अबे तेरी तो साले, ये नोट मेरी है। मेरी है। पंगा लोगे यार तुम? तो पंगा लोगे तुम लोग? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मतलब कि तुम दोनों हवलदार गप्पू सिंह के सामने लड़ोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत साले? अरे लग रहा गलत बयाना ले लिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मतलब मेरा मतलब ये है भाई साहब, आप लोगों से निवेदन है झगड़ा मत किया करिए। अरे मजाक भी नहीं कर सकते क्या भाई साहब? मजाक कर रहे, मजाक कर रहा ना मैं तो। अरे हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गप्पू, अरे गप्पू बोलरी के अरे मुर्गमो की गांठ फाड़ देता हूँ, फाड़ के आया। मुझे तो लग रहा है तू ही पुल गया है। अरे दो झापर मारेंगे एक खाएंगे भी तो, बस वही निशान है, थोड़ा तकलीफ है बस। आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए साहब। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गप्पू, अरे साहब इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए, चलिए बड़ी चलिए। यही वो जगह है जहाँ पे पीड़ित घायल होके गिरा। देखिए देखिए
दोनों हाथ एक तरफ और पैर दोनों एक तरफ। अरे बुरी मैया, दोनों चूतड़ों के बीच से निशान आया है साहब, देखिए देखिए, फुहारा फेंक दिया एकदम से, फुहारा। बड़ी बदबू आ रही है, समझ रहे कहाँ का खून है? अरे वही तो, हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होगी साहब। तो साहब देखा आपने, मुलजिम ऐसे पड़ा है तो इधर से दौड़ के आया है, वो दौड़ा है और यहीं गिर गया है, यहाँ से आगे बढ़ा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इधर से हमको करनी है और सबसे पहले तो हमको पकड़ना उस चमकीले पदार्थ को। अरे क्या नाम था भोसड़ी वाले का, सूरज? हाँ। उसको पकड़ो, जहाँ मेरा डंडा पड़ेगा चूतड़ों के बीच में जो लगेगा तड़का, तो बोल उठेगा लड़का है। चलिए अभी चल। अभी पकड़ते हैं उसको। हेलो छगनू, बोल भोसड़ी के। अबे एक बात बताऊं तुझे, अबे सुन तो, सुनो यार, तुम पता ऐसी बहुत आगता था ना, लोंडियों की लाइन लगी है। अरे रे। अरे अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे माफ कर दे, माफ कर दे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ देख रहा हूँ, ये सही लाल नहीं हुआ, ये कईयों की, समझ रहा है ना? अरे राजा माफ कर दे, माफ कर दे साहब, माफ कर दे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुझे सब पता है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ था, कैसे उसकी गांड फटी? ऐसी कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अरे अरे बहुत तेज लग गई, बहुत तेज लग गई। अरे बहुत तेज मारे साहब, बहुत तेज। साले मैंने कभी मारा भी नहीं। अच्छा नहीं मारा, फिर भी बहुत तेज लगी। मारे मुझे उसके साथ क्या हुआ था? नहीं पता साहब, मुझे माफ कर दे साहब। अरे अरे इधर साहब, बता मुझे। मारो ना भाई, अब मैं सब बता दूं, सब सच। सुनिए क्या हुआ। No, 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 no,